जिया चौहान बहुत सिंपल सी और एकदम घरेलू टाइप की लड़की है जो राजस्थान से 2010 में आई थी, और उसको एक्टिंग का और डांस का बहुत शौक था, बट जी घर वाले थोड़े ऑर्थो टाइप के थे तो बहुत सारा संघर्ष करना, क्या क्योंकि कारण ऑर्थो होने का? राजस्थान में होता है कि कोई भी लड़की ऐसे काम खास करके फिल्मों में नहीं करती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, कि जी कहने के लिए बैकग्राउंड वैसा है कि घर की लड़कियां ऐसे काम करें, वो भी हाँ अगर आप कोई जॉब कर सकती है, बैंक में काम कर सकती है तो उसके लिए सब सही है, लेकिन आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। फिल्म वाला मामला थोड़ा हाँ, सा। और घर वाले थोड़े पसंद नहीं करते थे ये सब चीजें, तो जी तो थोड़ा बहुत टफ रहा मेरे लिए। फाइट हुई घर वालों से है? घर वालों से फाइट तो नहीं हुई, लेकिन हाँ बट थोड़ा बहुत हुआ। जैसे अभी मेरे बड़े पापा हैं, उनको आज भी नहीं पसंद है, जी उनको नहीं अच्छा लगता है, बट मेरे पापा को भी एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन जी फाइनली उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ही लिया कि चलो उसका सपना है, वो करना चाहती है, जी हम साथ देते हैं। तो फिर उनको बेसिकली कहाँ से हैं आप राजस्थान में? एक्चुअली, मैं राजस्थान रामदेवड़ा से हूँ, जी मेरा ननिहाल कोटा से है जी और मेरी पूरी फैमिली अभी भी वही है, बट हाँ 2002 में मेरे डैड बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे, उसके जी बाद 2010 में मैं, मेरी मम्मा और मेरे भाई हम लोग आ गए, जी उसके बाद से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। कैसे शुरुआत हुई मुंबई में? संघर्ष रहा होगा या जैकपॉट लग गया आते? जी देखो, बैकग्राउंड तो मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड तो रहा नहीं, जी हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हुई कि आप एकदम से आए और आपको कुछ भी नहीं पता है, एकदम ही आ गए हो, हाँ आपका हाँ कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, जी तो बहुत दिक्कत हुई, बट वैसा नहीं है, पुराने टाइम में लोग ट्रेन पकड़ के आ जाते थे कि अमिताभ बच्चन नहीं, बट बनेंगे, ये था कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती था, हूँ। बट फैमिली वाले घर में थे, फैमिली साथ में थी, तो मैंने थोड़ा बहुत करा कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है। तो ऐसे ही कॉलेज फ्रेंड से ऐसे बात करते करते में कहीं से कांटेक्ट मिला कि जूनियर आर्टिस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ओके मुझे जूनियर आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं पता था कि जूनियर आर्टिस्ट क्या अच्छा, होता आप ड्रामा वगैरह वो स्कूल वगैरह आपने नहीं किया था? है। नहीं तब कुछ मतलब, हाँ मैंने अपने कॉलेज में राधा का कैरेक्टर किया था, वो बहुत मतलब लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया कि तू कर सकती है, तेरे अंदर वो हुनर है। झील हैं आप हाँ तो बच मुझे लगा तो फिर मैं कर क्या रही हूँ, मुझे करना चाहिए ये सब, चुके चौहान तो फिर मारो। छप्पा मार दिया जी और जूनियर आर्टिस्ट की लाइन में लग गए। फिर तो जूनियर आर्टिस्ट मैंने 2 साल किया, जी तो पहले पता नहीं था जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है कि पासिंग किसे कहते हैं, हाँ पहले आप आते हो तो कैमरे के सामने देखते रहते, तो डायरेक्टर डांट देते थे कैमरा में नहीं देखना है कुछ हाँ और करो, डांटते थे। तो पासिंग किसे कहते हैं कि चलो आप हमारी, आपकी शूटिंग चल रही है, बीच में चलना फिरना शुरू होना, उसे पासिंग कहते हैं। जी तो ये सब करने में मुझे 2 साल लग गए।